तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का 23वां दिन है। इस बीच सरकार अलग अलग तरीकों से किसानों को समझाने और मनाने में जुटी है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों की कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे, जिसमें वो सभी को कृषि कानूनों के फायदे बताने वाले हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ 23 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल यानी गुरुवार को अन्नदाताओं के नाम 8 पन्नों का एक पत्र लिखा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से किसानों के नाम लिखे पत्र को उनके विनम्र संवाद का प्रयास बताते हुए उसे पढ़ने की अपील की है। दिल्ली NCR में बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके इतने तेज थे कि लोगों को महसूस हुए और डर के कारण लोग सड़कों पर भाग। आपको बता दें कि केवल दिल्ली ही नहीं, ये झटके नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को भी पता चले। इतना ही नहीं, राजस्थान और मणिपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य का दौरा करने पर वह सप्ताहांत में भाजपा में शामिल होने वाले हैं। किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी करते हुए किसानों से अपील की है कि किसानों को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और सरकार को जल्दबाजी, यानी ना तो आंदोलन की जिद चलेगी और ना ही कानून लाने की जल्दबाजी। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रातों रात एक सेंसेशन बने दिल्ली के बाबा के ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद एक बार फिर से सुर्खियों में छा गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांता प्रसाद ने यह दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, उनके ढाबे को जलाने की भी धमकियां दी जा रही हैं। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इसरो ने कल यानी गुरुवार को PSLV C50 के जरिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को लॉन्च किया। कोरोना काल में इस साल इसरो का ये दूसरा मिशन है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने बताया कि PSLV C50 पूर्व निर्धारित कक्षा में CMS-01 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक इजेक्ट किया। सैटेलाइट बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है और अगले 4 दिनों में एक निर्देशित स्लॉट में पहुंच जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में चल रहे अंदरूनी घमासान को रोकने और नए अध्यक्ष के चुनाव की चुनौतियों को हल निकालने के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं की शनिवार को एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में सोनिया गांधी पार्टी के 23 असंतुष्ट नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। चीन का चंद्रयान चांगी 5 चांद की सतह से नमूने लेने के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया है। आपको बता दें कि चांद से करीब 40 से अधिक वर्ष बाद नमूने पृथ्वी पर लाए गए हैं। CNSA के अनुसार चांगी 5 मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के सिजीवांग बैनर में स्थानीय समय अनुसार देर रात 1:49 पर उतर गया। उत्तरी भारत में लगातार तापमान में गिरावट है। मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि 18 दिसंबर तक उत्तरी भारत में सर्द हवाओं का दौर जारी रहेगा। इतना ही नहीं, इस कड़ाके की ठंड में गिरते तापमान से पूरे कश्मीर का तापमान 0 से नीचे चला गया है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।